केबल वाला केबल कनेक्शन काट दिया। नो, कनेक्शन ही कट गया तो टीवी कैसे चलता बाप? अरे बेन, फोन कनेक्शन काट के गया वो ठीक है, लेकिन तूने तो टीवी तोड़ दिया, अब तो दोबारा कभी टीवी चलेगा ही नहीं। इसमें तो विष्णु जी की गलती है ना, ना वो कनेक्शन कटवाते और ना टीवी टूटता। हाँ, तेरी बात तो सही है, वो उन्होंने कनेक्शन कटवाया ना, उसी की वजह से आई है इतनी बड़ी मुसीबत। अच्छा ना, एचडी मंगवा लेना, क्रिकेट में देखने में मजा आएगा। ए भाई ओ, जाने तारो काम करने भाई, एचडी मंगवा लेना, क्रिकेट में देखेंगे। जा भाई जा। देखो अब क्या करेंगे? आप चिंता मत करिएगा, अब घर में नया कनेक्शन भी आएगा और नया टीवी भी आएगा। अब क्या करें, घर में टीवी जो था वो चल नहीं रहा था। मैं तो कोशिश कर रही थी रिमोट से चलाने की, लेकिन जो मेरी बहू है जिग्ना, उसने तो सिलबट्टा ही मार दिया है टीवी पे और टीवी फूट गया। अब तो जब मेरा ढोलू आएगा तो बहुत ही गुस्सा करेगा, इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है उसी की बात से। अच्छा, जिग्ना ने टीवी तोड़ दिया और काफ़ी सिली था, मतलब टीवी का कनेक्शन भी कट हो गया, तो आपको उनके ऊपर गुस्सा नहीं आया? अरे उसमें बेचारी, उसकी क्या गलती है, टीवी का कनेक्शन वो केबल वाला काट के गया, उसने मुझे बताया भी नहीं कि कनेक्शन वो काट के जा रहा है, तो उसमें बेचारी उसकी क्या गलती। और वो तो एक्चुअली ऐसा मारने गई, उसके हाथ में सिलबट्टा था, उसने सिलबट्टे से मार दिया, उसकी कोई गलती नहीं है। मेरी बहू कभी गलत हो ही नहीं सकती थी। हाँ हाँ, हर सास को अपनी बहू से प्यार करना चाहिए, क्योंकि अगर बेटी होती है ना तो वो तो शादी करके चली जाती है, पूरी ज़िंदगी तो ये बहुएं ही रखती है, तो हर सास को ये पता होना चाहिए कि उनको अपनी बहू से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए।